Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Ishtiqa from Director School DHN Stated Branch. Students, hope you will be fine. I am also fine. Now I am telling you about today's task. First of all, English diary. Reading book, page 5. Prep class, open your reading book. Open your page 5. Today our topic is phonic practice of double O. The sound of double O is O. Prep class, aap book se apni reading karenge, main aapko board se run karwati hu. Sound of double O is O. B O K book. H double O K hook. W double O D foot. F double O T foot. प्रेप क्लास आपने इस तरह से इसकी फोनिक अच्छे से याद करनी है. ओके, प्रेप क्लास नीचे देखिए, नीचे आपको सेंटेंस बनाए हुए हैं. माए एम वाई माए एन ए एम ई नेम माए नेम आई एस इज माए नेम इज अली ए एल आई अली. ये कुक है, इसका नेम क्या है? अली. वो क्या कह रहे हैं? माए नेम इज अली. आई एम अ गुड जी डबल ओ डी गुड कुक सी डबल ओ के कुक. जो खाना बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कुक. वो क्या कह रहे हैं? आई एम अ गुड कुक. इसमें भी डबल ओ की साउंड आ रही है. नेक्स्ट आपका एक सेंटेंस है, दिस इज अ बुक. बुक के अंदर भी क्या आ रहा है? डबल ओ की साउंड है. आपने डबल ओ की साउंड को अच्छे से लर्न करना है. क्लास आवर नेक्स्ट वर्ड इज मैथ्स बुक पेज नंबर 9. ओपन योर मैथ्स कार्ड बुक. टुडे आवर टॉपिक इज शॉर्ट एंड टॉल. शॉर्ट थिंग क्या होती है? जो छोटी चीज़ होती है उसको क्या कहते हैं हम? शॉर्ट. टॉल किसे कहते हैं? जो लंबी चीज़ होती है. लंबी चीज़ को कहते हैं टॉल और छोटी चीज़ को क्या कहते हैं? शॉर्ट. लास्ट लुक एट द बोर्ड. सर्कल द ऑब्जेक्ट दैट इज शॉर्ट एंड टिक द ऑब्जेक्ट दैट इज टॉल. आपने क्या करना है? शॉर्ट चीज पे सर्कल करना है और जो टॉल है लंबी चीज है उसमें क्या करना है? टिक करना है. अभी इस पिक्चर में देखेंगे टू बॉय बने हुए हैं, इनमें से एक शॉर्ट है और एक क्या है? टॉल. अब आप बताएंगे शॉर्ट कौन सा है और टॉल कौन सा है. जी हाँ, ये है शॉर्ट. शॉर्ट पे क्या करना है हमने? सर्कल. शॉर्ट पे हम करेंगे सर्कल और जो टॉल है उसपे करेंगे टेक. इसी तरह से ये देखिए टू सीप्स बनी हुई है, इनमें से शॉर्ट कौन सी है और टॉल कौन सी है? जी शॉर्ट पे हम करेंगे सर्कल और टॉल पे करेंगे टेक. इसी तरह हम करेंगे टॉल पे टेक, शॉर्ट पे सर्कल. आपने इस तरह से अपना पूरा पेज डन करना है. नेक्स्ट वर्ड इज उर्दू रीडिंग बुक पेज 10. क्लास ओपन योर उर्दू कायदा. कलीदी अल्फाज, हमने कल कलीदी अल्फाज पढ़े थे, ये वो है और ये हमने नहीं पढ़ा था. आज हम ये पढ़ेंगे नहीं. नून हे ये नून ना नहीं. आपने ये कलीदी अल्फाज जो है अच्छे से याद करने हैं. हम पहला कलीदी अल्फाज पढ़ेंगे ये ता ला ते अलिफ ता लाम अलिफ ला ताला हे बढ़िया है. ये ताला है. वो बाजा नहीं है. ये चाचा का बाग है. आपने इसको किस तरह से पढ़ना है? तोड़ जोड़ के साथ पढ़ना है. ये चे अलिफ चा चाचा का फलिफ का चाचा का बे अलिफा गईन बाग हे बढ़िया है. ये चाचा का बाग है. इस तरह से आपने पढ़ना है, ठीक है? वो हजाम है. हे जी अलिफ जामी हजाम. ये आपने हाफ पेज जो है अच्छे से लर्न करना है. ओपन योर उर्दू वर्ड बुक पेज नंबर 9. आज हमारे हैं जुमले बनाए. मैं बोर्ड पे आपको डन करवाती हूँ, आपने यहाँ पे वर्ड बुक पे अपने डन करना है. जुमले बनाए. सबसे पहले आपका आम बना हुआ है. आपने आम का क्या जुमला बनाना है? ये अलिफ मद आमी आम हे बढ़िया है. ये आम है. बाजा ये बाजा है. आपने प्रॉपर इस तरह से लिखना है जिस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. जाला ये जाला है. घर ये घर है. ताला ये ताला है. ठीक है प्रेप क्लास, आपने इस तरह से ही अपना पेज डन करना है. प्रेप क्लास नीचे की आपकी छोटी सी एक्टिविटी है. प्यारे बच्चों, क्या आप नुक्ते लगाकर अल्फाज मुकम्मल करने में मेरी मदद करेंगे? उन्होंने अभी क्या बनाया हुआ है यहाँ पे? बाजा बाजा बे बे का वन डॉट लगाएंगे नीचे आप और जीम का वन डॉट. क्या बन जाएगा? बाजा. इस तरह की नेक्स्ट किस चीज़ की पिक्चर बनी हुई है? जाला. यहाँ पे आप क्या लगाएंगे? जीम का वन डॉट लगाएंगे और लाम अलिफ ला जाला. ताज, ताज किससे बनता है? ते से. तो ते के दो डॉट्स लगाएंगे यहाँ पे हम और जीम की वैली में वन डॉट. ते अलिफ ता जीम ताज, ताज बन जाएगा. इस तरह देखिए लास्ट में गार.
गाड़ गाड़ किसे बनते हैं? गईन से, गईन के ऊपर वन डॉट होता है, गईन रे। आपने नुक्ते लगा के क्या अपने अल्फाज कंप्लीट करने हैं। आपकी उर्दू की बुक के स्टार्ट में इस्लामियत का वर्क है, कल हमने ताउस का किया था इंग्लिश और उर्दू तर्जमा, आज हमने करना है तस्मिया का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तर्जमा शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान नहायत रहम वाला है। इसका इंग्लिश तर्जमा क्या है? इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल। आपने तस्मिया का इंग्लिश और उर्दू तर्जमा याद करना है। नेक्स्ट आपका वर्क है साइंस। साइंस का वर्क आपका उर्दू की वर्क बुक के लास्ट में है। आज हमारा न्यू चैप्टर है यूनिट टू आवर सेंसेस। क्वेश्चन नंबर वन आज हम करेंगे, हाउ मेनी सेंसेस डू वी हैव? फाइव सेंसेस। क्वेश्चन नंबर वन आपने लर्न करना है। जीके का वर्ड है, ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर फोर अगेन रिवीजन है। ठीक है, जो मैंने आपको मंडे को कराया था ये आपका अगेन रिवीजन है। आज का डन हो चुका है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।